खबर नोएडा से है। सीएम ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। देशवासियों को पीएम पर भरोसा है, ये बात कही। 48 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया था। सीएम ने ये कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं। ये तमाम बातें मंच से सामने रखी नोएडा आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का ये मौका था। मंच पर जब सीएम पहुंचे तो वहां से उन्होंने जिक्र पीएम के किए गए कामकाज, उनके विजन का किया कि किस तरीके से देश लगातार आगे बढ़ता गया है और 1700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, ये सारे कार्यक्रम पहले से तय थे। सेव कल्चर सेव इंडिया मिशन कार्यक्रम था जिसके तहत सीएम योगी पहुंचे थे। मंच की तस्वीरें आप देखें, यहाँ पहुंचने के बाद जो बड़ी बातें कही वो भी हम रख रहे हैं। यूपी में अब सिर्फ विकास हो रहा है, ये 10 बड़ी बातें इसी मंच से कही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ये बात भी कही मुख्यमंत्री ने। आम आदमी को पीएम मोदी पर भरोसा है, मंच से कई बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। यूपी से माफिया राज खत्म हो चुका है, ये भी कहा सीएम ने। भारत विकास की नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है, इस बात का जिक्र किया। पाकिस्तान आज रोटी के लिए तरस रहा है, इसी मंच से ये बातें कही। और 48 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया। जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी हर एक क्षेत्र में। आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है, पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी, यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। भाई बहनों, 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे, मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था, बड़ी गर्मी थी। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा, जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।